सैमसंग Z6 प्लस, इसका जो प्रॉब्लम है नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है मेरा ये वीडियो से आप लोगों को मालूम चल जाएगा। स्क्रीन में दिखाई दिया होगा शायद नो सर्विस प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं इसको कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले इसका डिस्प्ले निकलना पड़ेगा, मैंने पहले ही निकल के रख दिया डिस्प्ले को। J6 प्लस में बहुत सारे स्क्रूप होता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। यहाँ पे रहता है नेटवर्क ऐसे, इस टीना को ट्वीजर से निकलना चाहिए। यहाँ पे एक ठो आईसी होगा WTR2965, ये जो आईसी है इसको चेंज करना पड़ेगा। WTR2965 चेंज करने से आपका नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हर किसी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, जैसे ये
2G आ रहा है, 3G नहीं आ रहा है, 3G आ रहा है, 4G नहीं आ रहा है, कभी कभार आ रहा है, कभी कभार नहीं आ रहा है। इस तरह सा कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ये 100% ठीक हो जाएगा इसको चेंज करने से। मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़।
तो चलो देखते हैं क्या होता है। आ गया नेटवर्क, एक बार में आ गया फुल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से काम करते रहो।